हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम अपनी हंटर 350 की विंडशील्ड को रिपेयर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरी बाइक की जो विंडशील्ड है, ये बाइक गिरने की वजह से ब्रेक हो गई थी, तो अपन इसको आज करने वाले हैं रिपेयर। तो इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें विंडशील्ड को अलग करना रहेगा, तो एलन की मदद से हम इस विंडशील्ड को अलग कर लेंगे। सो ये रही हमारी विंडशील्ड, जो कि आप देख पा रहे हैं साइड से टूटी हुई है। तो इसका जो पोर्सन है, ये इस तरीके से यहाँ पर जुड़ा रहता है, बट अपनी विंडशील्ड यहीं से टूटी हुई है। तो आज अपन इसको चिपकाने वाले हैं। सबसे पहले ये आप रबड़ की जो वाशर देख पा रहे हैं, इन वाशर वगैरह को सबको अलग कर लेना है। तो वाशर वगैरह हमारे जो हैं अलग हो चुके हैं, अब हमें इस विंडशील्ड को चिपकाना रहेगा। तो चिपकाने के लिए हम यूज़ में ला रहे हैं ये फेविक्विक वेल्ड। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि एक फेविक्विक होती है नॉर्मल, और एक पाउडर होता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये रहा पाउडर और ये रही फेविक्विक। तो इन दोनों चीज़ों को हमें मिक्स करना रहेगा और फिर हम अपनी विंडशील्ड को चिपका के देखेंगे। तो सबसे पहले हमें टूटे हुए पार्ट पे ये पाउडर लगाना रहेगा, फिर इसके ऊपर लगाएंगे हम फेविक्विक। तो चलिए चिपकाना करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये विंडशील्ड जो है वो इस तरीके से हमें चिपकानी रहेगी। तो सबसे पहले हमें विंडशील्ड के बीच में ये जो पाउडर साथ में था, इस पाउडर को इस तरीके से लगाना रहेगा। तो ये पाउडर लगाने के बाद जो टूटा हुआ पार्ट था वो हम इस तरीके से रखेंगे, और कुछ बूंद पहले फेविक्विक के लगाएंगे, उसके बाद इस तरीके से फिर से पाउडर लगाएंगे। तो यही प्रोसेस हमें दो तीन बार कर लेनी है, जिससे अपनी जो विंडशील्ड है वो अच्छी तरीके से पकड़ बना ले। तो हम कम से कम दो तीन कोट इसमें कर लेंगे। मैंने पाउडर लगाया, इसके बाद फिर मैं फेविक्विक भर रहा हूँ, इसके बाद फिर से अपन पाउडर लगाएंगे, और उसके बाद अगेन फेविक्विक फिर से लगाएंगे। तो इस तरीके से आप दो तीन कोट इसमें कर लें, ताकि अच्छी तरीके से ये मजबूत हो जाए। तो यहाँ पे अपन ने तीन बार कोटिंग कर ली है, पाउडर फेविक्विक पाउडर फिर फेविक्विक, और लास्ट बार ये अपन फेविक्विक इसमें और लगा रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारी जो विंडशील्ड है ये चिपक चुकी है। अब हमें इसको रखना होगा धूप में कुछ घंटे सूखने के लिए, इसको छोड़ देते हैं, इसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे बाद में। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो विंडशील्ड है ये हमारी अच्छी तरीके से सूख चुकी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये पीछे साइड अपन ने पाउडर और फेविक्विक की कोटिंग अच्छी तरीके से कर दी थी, और सामने साइड अपन ने केवल एक कोट ही किया था, ताकि ये जो फेविक्विक का उभार है वो सामने की तरफ ज़्यादा ना रहे। अब सामने जितना भी कुछ उभार है, इसको हमें सैंड पेपर से घिसना रहेगा, फिर जाके सामने चिकनाहट आएगी, फिर हम इस पर लगवाएंगे रेडियम। तो चलिए सबसे पहले इसके स्टिकर्स को रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक ब्लेड की मदद से ये जो सामने स्टिकर्स हैं इनको रिमूव कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, स्टिकर जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं, और ये यहाँ पर स्टिकर्स की गम लगी हुई है। तो इसको रिमूव करने के लिए आप पेट्रोल से भी इसको रिमूव कर सकते हैं, बट अपन को इसके ऊपर रेडियम लगवाना ही है। तो अपन सैंड पेपर से इसको घिसने वाले हैं, क्योंकि ये जो फेविक्विक का उभार है ये हमें सैंड पेपर की मदद से ही घिसना रहेगा। तो सैंड पेपर को अपन कर लेंगे गीला, और फिर हम इस तरीके से ये जो फेविक्विक का उभार है इसको हम इस तरीके से घिसेंगे, ताकि यहाँ पर चिकनाहटपन आ जाए और रेडियम लगने के बाद कुछ हमें उभारपन ना दिखाई दे। अब हमें इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जितना भी उभारपन था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। अब जो इसके ऊपर अपन रेडियम लगाएंगे वो भी अच्छी तरीके से अपनी पकड़ बना लेगा। तो यहाँ पे लगभग प्लेन सरफेस हो गया है। अब अपन चलते हैं, रेडियम लगवाते हैं, और फिर रेडियम लगवा के देखते हैं कि यहाँ पर ये क्रैक पता चलता है या नहीं। तो मैं आ गया हूँ रेडियम वाले के पास, ये है इरफान भाई की शॉप है स्टार रेडियम नाम से। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेडियम आप देख पा रहे हैं, जो भी आप चाहो वो चिपका सकते हो, बट अपन को लगवाना है वो प्लेन वाला। और प्लेन वाले में हमें दो टाइप के रेडियम देखने को मिलेंगे, एक तो आता है मैट फिनिश में और एक आएगा शाइनिंग में। तो हम लगवाने वाले हैं शाइनिंग वाला रेडियम। तो इस तरीके से ये कटिंग करेंगे भैया, फिर ये कटिंग जो है वो चिपकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये रेडियम जो है वो इस तरीके से दोनों साइड से चिपकेगा, और चिपकने के बाद फिर मैं आपको विंडशील्ड दिखाता हूँ। सो फाइनली हमारा जो रेडियम है वो दोनों साइड चिपक चुका है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और पीछे साइड यहाँ पे आप उभारपन देख पा रहे हैं, क्योंकि पीछे मैंने इतनी ज़्यादा घिसाई नहीं की थी, ताकि विंडशील्ड की मजबूती बनी रहे। और फ्रंट में आप बिल्कुल बारीकी से देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्रैक था। और अब चलते हैं अपन घर, इसको करते हैं इंस्टॉल, फिर मैं आपको फाइनल व्यू दिखाता हूँ। सो फटाफट करते हैं इसको इंस्टॉल। तो ये हमारी ब्लैक मैजिक फ्लाई स्क्रीन फिर से इंस्टॉल हो चुकी है, और दूर से देखने पर कोई भी नहीं कह सकता कि ये विंडस्क्रीन कभी क्रैक थी। बस अगर आप पास से जाके देखोगे तो भले ही आपको एक बार दिख जाएगा कि यहाँ पे साइड से ये क्रैक थी,
बट दूर से इतना कुछ पता नहीं चल रहा है खास। सो अगर आपकी विंडशील्ड भी कभी टूट जाती है तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करके इसको चिपका सकते हैं। और ये जो फेविक्विक वेल्ड है ये आपको किसी भी लोकल शॉप पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो इसकी परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।